बचपन में क्या क्या स्कूल जाना चाहते हैं? लीजिए, सबसे पहले इस घोषी पवित्र धरती से सभी मीडिया वाले को दिल के गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र उश्रेता है, हाल मुकाम चंद्रबानपुर, मकान नंबर 35/1, तहसील सदर कोतवाली, जनपद मऊ की निवासी हूँ, किंडो की प्रमुख हूँ और लोकसभा घोषी का भावी प्रत्याशी हूँ। दारा सिंह चौहान भाजपा सपा में रहे, सपा छोड़ के चल गए भाजपा में। बाबू, ये सब दल बदलू नेता है, बात समझ रहे हैं? ये सब समाज को धोखा दे रहे हैं, बात समझ रहे हैं? इन लोग की कोई इमेज नहीं है समाज में। ओम प्रकाश राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्या हो, दारा सिंह चौहान हो या अन्य इस तरह का नेता दल बदलू है, बात समझ रहे हैं? ये किसी के होने वाले नहीं है, समाज इस बार जान गई है, बात समझ रहे हैं? इतनी 1947 के बाद मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मगर इस तरह का घटिया शब्द अभी तक किसी नेता के मैंने वाणी से आवाज नहीं सुना, जिस तरह ओम प्रकाश राजभर में इस तरह की गंदी लैंग्वेज बोलता है। उसको तो सोच लीजिए कि जाति सूचक से भी अधिक गंदा शब्द बोलता है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, अमान्य अमित शाह जी से, अमान्य योगी आदित्यनाथ से यही अपील करूंगी कि आप लोग इस बात को गंभीरता से लीजिए। जिस दिन कह रहा था कि हम माँ और बाप का कसम खा रहे हैं आपको गुजरात भेज देंगे, यही माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कह रहा था, जहाँ भीख मिलती है वहाँ भीख भेज देंगे मांगने के लिए, वही आपको घंटा मंदिर में बजवाएंगे। वो दिन इन लोग को भारतीय समाज पार्टी को भूल गई? हाँ, देखिए, मैं तो यही निवेदन करूंगी कि देखिए, कोई नहीं हरा पाएगा, ये मैं दावा कर रही हूँ। फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी बनेंगे और माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा दावा है। और मेरे दावा आपका इसलिए है कि ओम प्रकाश राजभर फिर से बीजेपी में ज्वाइन हो गए, इसलिए दावा आपका पक्का हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसको देख लीजिएगा, आने दीजिए समय, अभी तो साल भरा न महीना है ना चुनाव, देखिए इसकी क्या हश्र हो रही है। ओम प्रकाश राजभर हो या दारा चौहान हो, इसलिए जनता के सामने ये लोग और तमाम पार्टियों, प्रकाश राजभर ये सपा में थे, सपा में से वो कहे थे मैं बीजेपी सपा में थे, गठबंधन में थे, तो वो कह रहे थे वो कौन बीजेपी में जाएगा घंटा हिलाने के लिए, फिर उसी पार्टी में जाकर आप वो गठबंधन कर लिए। तो इसीलिए मैं कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ऐसा है और दारा सिंह स्वामी प्रसाद कि जिस पत्तल में ये खाते हैं उसी पत्तल में छेद करते हैं, जनता इस बार जान चुकी है। बाकी हम तो निवेदन करेंगे, एमटीए में गठन हुआ है ना, एनडीए में, मैं अपील करूंगी माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय अमित शाह से, माननीय योगी आदित्यनाथ से कि इसको गंभीरता से लीजिए, आप फैसला कीजिए, न तो ये भारतीय जनता पार्टी का छवि खराब कर देगा। इसीलिए गया है कि माननीय योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से। देख रहे हैं अभी गठन नहीं हुआ, तब तक लंबी चौड़ी हवा हवाई हाँकने लगा, बात समझ ले? अच्छा, अगर ओम प्रकाश राजभर जो भाजपा से है, अगर गठबंधन किसी पार्टी से न करें तो क्या इनकी सीट निकलेगी? कहीं नहीं निकलेगी, मैं दावा करके ऐलान करती हूँ। मेरी माँ ने मंगल पांडे, चित्तू पांडे, राम दही नेजा, जय प्रकाश ऐसे वीर कर्तारी धरती पे पैदा की है। मुझसे भी 2004 में ये चुनाव लड़ा रहा था भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ, तो उनके भतीजे पप्पू एमएलसी से 10 लाख रुपया लिया था, वो मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आप लोग को सौंप दी हूँ, देख लीजिएगा। उस हिंदुस्तान पेपर में लिखा है, उस टाइम अकबरपुर से पूर्व मुख्यमंत्री में आवती लड़ रही थी, बताइए प्रचार करूं बलिया में या लड़ू अकबरपुर में, तो वैसा ही ये फ्रॉड है। अच्छा ये बताइए, लोग कहते हैं कि दारा सिंह चौहान जी जो शुरू में बसपा में थे उससे उनको बड़ा सम्मान मिला, उसमें विधायक भी थे, उसके बाद सपा में गए फिर भाजपा में चले गए,
अब इससे बड़ी इतिहास क्या बता दे कि जिस पत्तल में खाते हैं उसी पत्तल में ये लोग छेद करते हैं। ये तो जनता इस बार बख्शेगी नहीं, बात समझ रहे हैं। आने दीजिए, भाजपा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वो सोच समझ कर ही फैसला लेगी। अभी शुरुआत हुआ है ना, देख रहे हैं कितना हवा हवाई। अरे किसी आदमी को एक पानी पे रहना चाहिए, एक इमेज पे रहना चाहिए, बात समझ रहे हैं। अभी देखिए, अभी पोल खुल रहा है ना। श्वेता जी बताइए, आज देश में दो गठबंधन बने, एनडीए और एक इंडिया जी, तो इंडिया के बारे में क्या कहेंगे, जिसमें जेडीए और जेडीयू और तमाम तरह की विपक्ष। इंडिया के बारे में ये कहना चाहूंगी, जब 1947 में देश आजाद हुआ तो पूरे विश्व में भारत ऐसा कोई स्वतंत्र देश नहीं है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसका चार नाम पड़ा दुनिया संसार में। कोई ऐसा देश और कोई ऐसा प्रांत नहीं है कि इसका चार नाम पड़ा हो, मगर भारत का चार नाम पड़ा। पहले इसका नाम था आर्यव्रत, दूसरा नाम पड़ा राजभारत के नाम से भारत, और अंग्रेज इसका नाम इंडिया रखे, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इसका नाम हिंदुस्तान रखा गया। तो ये महागठबंधन वाले जो पार्टियां 29 रखी है, तुम लोग को सोच लेना चाहिए कि ये गठबंधन कर रहे हो माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, क्या अंग्रेज वाली हुकूमत चलाओगे? यही मेरा कहना है।